अर्जुन के हाथ कोई नहीं है, सारा हाथ विश्रुक है। सोच रहा था कि मानती से, कि मानती के मैं अपने लाइन से हटा दे तो राधिका के ला सकती हैं हम घर पे, हमारे लाइन से हट जो तो हम राधिका से ब्याह कह के ला के बैठा दे। बोल रही थी कि मेरे के मार डरेगा, विश्रु छोड़ेगा नहीं, मैं विश्रु घर जाऊंगी तो मेरे के मार डरेगा। वो चाह रहा कि ये रास्ते से हट जाएगी तो दूसरा शादी करूंगा। विष्णु ये शादी जो हुआ अर्जुन से मालती का, इस शादी में कितना सच्चाई है? तो अबीर से शादी होता है, तो अबीर से शादी कराया गया। हाँ, अबीर से शादी खुद के गया था विष्णु राज, मार के धमकी दे के ब्याह कराया था विष्णु। तो कह रहे हैं इतना बड़ा कोई विष्णु राज तो गलती नहीं किया है? कि गलती नहीं किया होता तो कैसे जान जाता, उसका जान कैसे जाता, कोई अपने जान देगा? कुछ नहीं चाहिए, जैसा मेरे बहन का मानना है मैं वैसा, वो जीवन भर विष्णु राज जेल में रहे जीवन भर। हाँ, जीवन भर। अभी हमारे साथ मालती चौहान के बहन हैं, इनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ हुआ था। क्या नाम हुआ आपका? शांति। अच्छा ये बताइए कि आपके बहन के साथ क्या कुछ हुआ है? वो लगा कि नहीं मरी है, वो फार्म तकिया समय। लेकिन विष्णु ये कह रहे हैं कि जिस समय ये सब घटना हुआ उस समय हम घर पे मौजूद नहीं थे, स्टूडियो में हो गए हुए थे। नहीं, एक लड़का वहाँ पे रहता है स्टूडियो पे, वो फोन किया राहुल भैया के पास, एक राहुल भैया का ना राहुल, हाँ गोलू भैया के पास फोन किया, बोला गोलू भैया आज कोई दाल में काला है, तो बोले किसके लिए, तो बोला वो विष्णु आज घर पे गया है, आज मानती के कुछ ना कुछ आ जाए, मैं मानती लगी आज मारे, आज दाल में कुछ काला है, आज कुछ ना कुछ हो। अच्छा, जरूर मालती की बहन है, आपसे तो हमेशा मालती से बात हो रहा होगा, एक महीने से देखा जाए तो दोनों के बीच लगातार विवाद चल रहा था, और यहाँ तक कि विष्णु राज के द्वारा जो है अपनी पत्नी मालती का जो शादी है अर्जुन के साथ कराया गया था। अब कहीं ना कहीं विष्णु राज के पिता है, उनके घर वाले की तरफ से कहा जा रहा है कि ये सारा घटना के पीछे कहीं ना कहीं जिम्मेदार जो है वो अर्जुन का हाथ है। अर्जुन के हाथ कोई नहीं है, सारा हाथ विश्रुक है। अर्जुन का हाथ नहीं है? नहीं, वो पैसा भर के 60 लाख रुपये, 60 हजार की 60 हजार पैसा दे के भर के ओके भरत रहा है कि ते ऐसा ऐसा कहूँ, और कैद कैली रहा ओकरे आगे नंबर रहा बात करता चुप्पे चुप्पे ओके सिखावत रहा भरत रहा तब वो ऐसा ऐसा कहत रहा कि ते मानती के ऐसा ऐसा कर अब भरते। मतलब अर्जुन को जो है विष्णु सिखा रहा था? हाँ, ए विष्णु राज राधिका, एक राधिका नाम के लड़की रहा जी। हाँ, ये कौन है राधिका? राधिका वो विष्णु राज उससे बोल। अच्छा, यानी कि मतलब विष्णु राज का जो है राधिका से अफेयर चल रहा था? हाँ, चल रहा था। तो वो राधिका से वो मानती, सोच रहा था कि मानती से, कि मानती के मैं अपने लाइन से हटा दे तो राधिका के ला सकती हैं हम घर पे, उसी नाते वो खेला कहा था। तो मतलब विष्णु ने एक मतलब साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया है। हाँ। कि राधिका से उसका अफेयर चल रहा था कि हमें मालती को जो है इस बीच हटा देना चाहिए, तब हम आसानी से शादी कर पाएंगे राधिका से। हाँ, तब शादी में कर ले। हाँ। अच्छा, आपसे तो हमेशा बात होता होगा, मालती आपसे क्या कह रही थी फोन पे हमेशा? वो बोल रही थी कि मेरे के मार डरेगा, विष्णु छोड़ेगा नहीं, मैं विष्णु घर जाऊंगी तो मेरे के मार डरेगा, मैं एकदम कहे कि हमें बिल्कुल मालूम बा कि हमें मार डर विष्णु। तो पहले से ही उस सख्त हो रहा था, डर हो रहा था कि हमें कभी उसके देह में एकदम डर हो गया था, वो मार मार के। तीन साल पहले दोनों के बीच कहीं ना कहीं पहले से कुछ भी विवाद नहीं चल रहा था, अचानक से ऐसा क्या बीच में हुआ कि दोनों में लड़ाई झगड़ा होने लगा, दोनों आपस में कहीं ना कहीं दूरियां दोनों के बीच बढ़ने लगा, दोनों अलग मतलब एक दूसरे के पास नहीं रह रहे थे? वो राधिका तब से उसके दिल में आई। राधिका कब से आई है विष्णु के दिल में? ओ मानती एक दा बेराम राली ना, आप लोग को तो देखे होगा वीडियो में, भर्ती राली ही ने उसी टाइम पे आए थे राधिका, उसी टाइम से इसका घर बिगड़ा है। तब से राधिका जिंदगी में आई है? हाँ, तब से आई। इससे पहले कुछ भी खराब नहीं चल रहा था? कुछ भी नहीं, अपन करत रहना खातरा आराम से पड़ल अन्न के जाना। अच्छा, ये शादी जो हुआ अर्जुन से मालती का, इस शादी में कितना सच्चाई है? मैं के ज्यादा सब नाटक है, शादी नहीं हुआ था? नहीं, तो अबीर से शादी होता है, तो अबीर से शादी कराया गया। हाँ, अबीर से शादी खुद के गया था विष्णु राज, मार के धमकी दे के ब्याह कराया था विष्णु। हाँ, कि अपने, हाँ, कि हमारे लाइन से हट जो। हाँ, तो हम राधिका से ब्याह कह के ला के बैठा ले अपने। हाँ, मतलब इस तरीके से बात कहा जा रहा, लाइन से हटाने के लिए मतलब मालती को लगातार टॉर्चर भी किया जा रहा था। हाँ,
लेकिन लोग तो ये कह रहे हैं कि मालती जो है खुद से अपना जान दी है और इसमें विष्णु का बिल्कुल हाथ नहीं है, पूरे परिवार के लोग कह रहे हैं, हर तरफ वहाँ पर कहा जा रहा है इस तरीके का बात है। नहीं, मालती ऐसे नहीं कह पाएंगे। मतलब मालती इससे पहले आप लोग को देखकर कभी नहीं लग रहा था कि वो अंदर से टूटी हुई है, कभी भी वो गलत कदम उठा सकती है, ऐसा कभी लग रहा था कि नहीं? वो कभी कह ही नहीं सकती है, हमन के खुद ही समझा रही थी कि फांसी मत, हमने मतलब कौन बात हो तो हमन के समझावे कि दीदी ऐसा न करे कौन गलती। आप लोग को हमेशा समझा रही थी पहले। हाँ, हाँ, तो कैसे लगा सकती है अपने आप के? हाँ, ससुराल नहीं, ससुराल कब गई थी यहाँ से? अभी सोम के गई थी, सोम के आठ तो बजे। तो वहाँ पर फोन से बातचीत वगैरह हुआ कि नहीं? ये भी कहा जा रहा है कि नंबर वगैरह सबका बोलो कलो के सब भी है क्या? नात बात से बतिया नहीं करे देते रहा। हाँ, बात नहीं करने दे रहा था कौन है? विष्णु राज। हाँ, नहीं बात करने नहीं देता था किसी के। हाँ, बोल रहा था नाते बाते से किसी से मतलब नहीं रखे। हाँ, नात बात से मतलब रखेगी तो अपन सारा तो जवान मरबा कर तो सब बता दे भी थे तो उन्होंने कुछ करबा करी ना तो बात नहीं करे देते। लेकिन विष्णु एक और ये बात कह रहा था कि जब हमारी पत्नी मालती किसी और के साथ रह सकती है तो हम फिर शादी क्यों नहीं कर सकते हैं, ये भी बात बोल रहा था। क्या? चलिए बाकी कुछ और भी इनके बहन के लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। आप भी मालती की बहन है क्या? बहन है, बड़ी बहन है। तो इससे पहले जब आप लोगों से बात हो रहा था मालती का तो क्या बातें आप लोगों से कह रही थी, क्या परेशानी बता रही थी? हम लोग समझा रहे थे उसको तो बोली कि नहीं दीदी हमें ऐसा नहीं करेंगे आप आने से। हाँ। बकनी हमको जिंदा नहीं छोड़ेगा, मारेगा तो मार। इस तरीके से बात हमेशा बोल रही थी कि हमें जिस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है जिंदा नहीं छोड़ा। हाँ, जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा, हमको ये एक दिन मार ढारेगा। काली बानी ऐसा न करे जो तो मरिए करिए। जिस चीज का डर था वही हुआ। वही हुआ। हाँ, ये आप आने से जान नहीं देने वाली थी लड़की। इससे पहले बातचीत जो YouTube वगैरह से पैसा आ रहा था वो पैसा मालती को भी मिलता था या फिर ये सब पैसा दूसरे खाता में आता, वो भी नहीं दे रहा है, मांग रही थी, सुन रही कोई मानती मांग रही थी पैसा बाकी दे नहीं। सब कारण क्या हो सकता है, एक पति जो है अपनी पत्नी की जान कैसे ले सकता है? अब कैसे ले सकता है, दहेज के लिए लिया है, फिर शादी करने के लिए लिया। दहेज भी मांग रहा था कितना? अब दहेज वही जाने की कितना मांग रहा, लेकिन दहेज मांग रहा था। दहेज भी मांग रहा था। सोचिए कि ये पूरे परिवार के लोग जो है वो कहीं ना कहीं विष्णु राज पे आरोप लगा रहे हैं कि वो जो है एक साजिश के तहत कहीं ना कहीं अपनी पत्नी को मारा है। आप लोग क्या चाहते हैं? कुछ नहीं चाहली, जैसा मेरे बहन का मानना है मैं वैसा वो जीवन भर विष्णु राज जेल में रहे। जीवन भर? हाँ, जीवन भर जेल में रहे विष्णु राज। हाँ, बाकी आप देख सकते हैं कि इनके ये बहन लोग हैं जो मांग कर रहे हैं। क्या मांग रहेगा आपका? उम्र कैद होना चाहिए विष्णु राज को। हाँ, विष्णु राज को। लेकिन लोग कह रहे हैं इतना बड़ा कोई विष्णु राज तो गलती नहीं किया है कि नहीं, गलती नहीं किया होता तो कैसे जान जाता उसका? जान कैसे जाता, कोई अपने जान देगा? लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि आपके बहन के द्वारा जो है सोशल मीडिया पर अश्लील तरीके का हमेशा वीडियो बनाया जा रहा था और इसपे समाज पे कहीं ना कहीं एक गंदा प्रभाव पड़ रहा है इससे। वो तो पर ही रहा है, बाकी इसके लिए नहीं जान लगता है। जिस तरीके से लोग वीडियो बना रहे थे इसमें सबसे बड़ा दोषी इसमें कौन है, किसके द्वारा बनवाया जा रहा था? अब हमको ये सब नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन दोषी विष्णु है। दोषी विष्णु है। हाँ, और आप लोग चाहते हैं कि विष्णु को सजा मिले? हाँ, सजा मिले, उम्र कैद हो जाए, जैसे भी बहन मेरी गई है वैसे उम्र कैद हो जाए। हाँ, क्या चाहती है? उम्र कैद हो जाए, एकदम उम्र कैद हो जाए। हाँ, बाकी आप देख सकते हैं कि ये पूरे परिवार के लोग हैं जो मांग कर रहे हैं कि विष्णु को जो है नहीं हटा पाया, शादी करा के नहीं हटा पाया तो सोचा ऐसे नहीं हटा पाएंगे तो मार कर हटा दिया रास्ते से। शादी मतलब किसी भी तरह रास्ते से हटाने के लिए? हाँ हाँ, रास्ते से हटाने। क्या चाह रहा था वो? चाह रहा कि ये रास्ते से हट जाएगी तो दूसरा शादी करूंगा। विष्णु। हाँ, हाँ, यही कारण है। हाँ, एक दहेज एक शादी का। हाँ, यही कारण है, इसीलिए रास्ते से हटाया वो। हाँ, बाकी आप देख सकते हैं कि अभी हम जाने माने यूट्यूबर मालती चौहान के घर पे हैं, जहां पर अगर हम बात करें तो मालती चौहान जो है इस दुनिया में नहीं है और पूरे परिवार के लोग जो है वो न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं। और अंत अंत में बस यही कहना चाहेंगे कि इसमें जो भी दोषी हो उस पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही होना चाहिए। बाकी इस वीडियो को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय में जरूर दें, आप हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।